अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हमजा नवाज और हाजिर है न्यू व्लॉग के साथ। तो आज हमारे गांव में जो है वो एक स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी है, अल हसन पब्लिक स्कूल। तो तालीम मुख्तलिफ माशरे में मुख्तलिफ किरदार अदा करती है, खुसूसन समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, ज़ाती तौर पर, और समाजी तौर पर जो है वो एक माशरे की तश्कील जो है वो तालीम से मुमकिन होती है। तो आज हमारे गांव के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी है। तो उसी सिलसिले में हम आज इधर हाजिर हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो तालीम के जो है वो किसी भी माशरे के क़याम के लिए, मुस्तहकम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, हम मौजूद हैं अल हसन पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। तालीम जो है वो किसी भी माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। ये एक ऐसा माशरा तश्कील देती है जिसमें लोग अपने फ़राइज़ और हकूक़ से जो है वो वाकिफ़ होते हैं, और ये जो तालीम है ये एक सकाफ़ती और सीखने का अमल है। तो हम अल हसन पब्लिक स्कूल के हवाले से जो है इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि इस तरह इतने बैकवर्ड इलाके में आकर ये स्कूल बनाने की जो मोटिवेशन इनको मिली है उसके पीछे इनका क्या था कि इनको किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है ना, वो हमारे विजन से जुड़ी हुई है। हमारा विजन ये है कि जिस तरह शहरों में आला मियारी तालीम मिलती है, वो जिस पसमानदा इलाकों में, गाँवों में, उधर भी ये मैसर हो लोगों, क्योंकि ये हर शहरी का हक है कि वो मियारी तालीम हासिल कर सके और बड़े अहदों पे और मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल कर सके। तो ये हमारी मोटिवेशन थी कि बच्चों को मुस्तकबिल सिक्योर किया जाए। ठीक है, अच्छा, तो आप ये हमें बताएं कि जो हमारे इसमें जो आपका विजन है कि ये स्कूल बनाने के पीछे जो आपका विजन है वो क्या है। हमारा विजन लॉन्ग टर्म ये है कि अभी ये हमारी पहली बनाचन पब्लिक स्कूल थी, इनशाला इनशाला हम एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे से तीसरे गाँव, और इनशाला हम कोशिश करेंगे जिला खुशाब में और फिर पंजाब में अपनी मियारी तलीम को खिलाएं, इन स्कूलों को सस्ते रेट पे मिले बच्चों को, ये हमारा विजन है। अच्छा, तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है कि जो इस स्कूल बनाने के पीछे जो फ्यूचर चैलेंजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं, कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करना है। देखें, हमारा विजन जिस तरह है कि मियारी तलीम दी जाए, तो हमें, मैं समझता हूँ हमारा चैलेंज भी ये है कि हम इन बच्चों को किस तरह कोप करें, इनके साथ किस तरह इनको मियारी तलीम दें, इनके जहनों में डालें कि मुस्तकबिल अपना सिक्योर कर सकें। ये एक चैलेंज। दूसरा, इनके वालिदैन, इनका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है किसी भी बच्चे के तालीम व तरबियत में, वालदैन, और फिर स्कूल आता है, तो वालदैनों को भी अपने साथ मिलाना और उनको इस चीज़ पे लाना कि वो भी अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दें, हमारे साथ हमारे पार्टनर बने। यानी कि बेसिकली आपने वालदैन को, बच्चों को और स्कूल का एक पूरा एक सिस्टम बना के इनको जोड़ के, यानी कि रखना है ताकि इनका एक आपस में रिलेशन रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप देखा जाता है, वालदैन नहीं स्कूल में आते, नहीं पता करते कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह की सारी। जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, वालदैन की भी जिम्मेदारी है कि अगर मियार बढ़ाना है तो दोनों को मिल के जो समझे पार्टनर बनकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना हो। ठीक है, अच्छा, तो मेन जो स्कूल्स वगैरह होते हैं या सब कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो मेन ये इशू होता है कि हायरिंग का। हायरिंग में हम देखते हैं कि सिफारिश वगैरह का चलता है या कोई रेफरेंस वाला बंदा आ जाता है, तो आपके अल हसन पब्लिक स्कूल की हायरिंग का क्या मेथड है, क्या क्या आपने क्राइटेरिया रखा? हायरिंग, जहाँ तक बात है, ये प्राइवेट स्कूल है जिसकी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट हम खुद हैं, तो हम किसी किस्म की सिफारिश वगैरह नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम मियार पे, जिस तरह सरकारी मियार है कि एक टीचर को बीए ऐड होना चाहिए, यानी बीए एजुकेशन होना चाहिए कि वो एजुकेशन दे सके बच्चों को, तालीम तरबियत भी दे सके, तो उन मियारों के मुताबिक हम टीचर्स की हायरिंग करेंगे और उनको बेहतरीन तनख्वाह और उनकी अच्छी सहूलियात मुयसर करेंगे। अच्छा, आपसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका एज ए जो डायरेक्टर रोल है वो बताएं कि वो क्या है। मेरा एज ए डायरेक्टर रोल और मेरे जितने भी साथ मेरी टीम है, हम सब का रोल ये होगा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल स्मूथली
और एफिशिएंटली काम करे, यानी किसी किस्म की रुकावट ना आए स्कूल चलने में, सुबह टाइम टाइम टेबल यानी नज्म व ज़ब्त में किसी किस्म की रुकावट आना इसको रोकना हमारा काम है कि रुकावट ना आए नज्म व ज़ब्त में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में ये वो कामयाब करे। ये हमारे गांव के लिए बड़े एजाज की बात है कि इतने जो है वो बैकवर्ड इलाके में और इतनी जगह पे आके स्कूल बनाना, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। हमारे साथ मौजूद हैं अल हसन पब्लिक स्कूल, जिनकी ज़ेरे निगरानी ये स्कूल बना है, तो आइए हम इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारा सर जी आपसे पहला सवाल ये है कि आप अपने, अगर मैं कहूँ कि आप स्कूल को डिस्क्राइब करें थोड़ी सी चंद लाइनों में। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिलम यह स्कूल इंतहाई मेहनत के साथ बनाया गया और इसका एक खास मकसद है, क्योंकि हमारे इलाके में कोई भी मैरी स्कूल नहीं है और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है हमारी बेसिक जो तालीम है उसमें बहुत कमजोरी है। तो हमारा मकसद ये था कि हम बच्चों की बेस को मजबूत बनाएं, यहाँ पे अच्छे टीचर मुहैया करें, अच्छा माहौल मुहैया करें, इन किस्म की सहूलियात जिसमें बिजली का जो हमारा निज़ाम है वो ज़रा कमज़ोर है कि बिजली आती जाती रहती है, तो हम इसको सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट कर रहे हैं पूरे स्कूल को, जिसमें एयर कूलर हर रूम में होगा, हर रूम में हीटर होगा, फैन होंगे, पानी फिल्टर शुदा यहाँ पे होगा, इसके अलावा अच्छा फर्नीचर होगा, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है, बच्चों के लिए हम झूले वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे स्टाफ बेहतरीन होगा। हमारे इलाके में किसी जगह भी सिक्योरिटी गार्ड का कंसेप्ट नहीं है, तो हमने ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग कमरा बनाया है जहाँ पे हर टाइम एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होगा, कोई बंदा गैर जरूरी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात कि ये स्कूल में तमाम फीमेल टीचर होंगी, पूरा स्टाफ फीमेल होगा, नहीं होगा, बच्चे छोटे इंशाल्लाह अच्छी तरबियत हासिल करेंगे। हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं नेक्स्ट डे टीचर का, इंशाल्लाह अच्छी टीचर सिलेक्ट करेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपने गांव की जरूर खिदमत करेंगे इस हवाले से। अच्छा, एक और सवाल हमारा कि हमारे कंट्री में जो है ना वो सिलेबस का बड़ा इशू पाया जाता है कि सिलेबस हर जगह पे अलग होता है, तो इस स्कूल का सिलेबस क्या होगा जरा सिलेबस के बारे में? सिलेबस के हवाले से हमने जो सिलेबस सेलेक्ट किया है, बहुत से सिलेबस मार्केट में अवेलेबल है, अफाक का आजकल अक्सर स्कूलों में चल रहा है और सोल का चल रहा है, लेकिन हमने इससे भी बेहतर सिलेक्ट किया है सिलेबस, उसमें गाइड किया गया बच्चों को के हवाले से, हमारे मजहबी हवाले से सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, हमने तमाम सिलेबस स्टडी किया है, उसके बाद हमने ये सिलेक्ट किया है और पूरा कमेटी बनकर के सिलेक्ट किया है, सब ने इसको स्टडी किया है, बहुत अच्छा सिलेबस है, इंशाल्लाह बच्चे इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीज होंगे। एक जो क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट है कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि फीस स्ट्रक्चर। देखिए, फीस मैं भी जाकर कर चुका हूँ अपनी तकरीर में भी, हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह फीसें मुनासिब होंगी, ये सुविधा के लिए थोड़ी सी फीस तो हमें रखनी पड़ेगी, जो है हमारे सिलेबस का भी तकरीबन बाकी स्कूलों से रेट कम होगा और फीस चल रही है रकम वगैरह की उससे भी इंशाल्लाह कम होगी, के लिए थोड़ा सा फिर अखराज तो करने पड़ते हैं, अभी तक कोई नजर नहीं है, हम चाहते हैं कि अच्छी जाना बेशक प्रॉफिट ना हो। चलिए सर जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करें, ये हमारे गांव के लिए बहुत एजाज की बात है कि आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया, थैंक यू सो मच।
तरक्की दे, हाई स्कूल बने, कॉलेज बने, कॉलेज तरक्की दे,